हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपको उसमें क्यों टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना चाहिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, इसे क्यों इनेबल करें और मैं आपको इसको इनेबल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसको आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं और इसको इनेबल करने से क्या फायदे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करें तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टू फैक्टर वेरिफिकेशन की, ये क्या है और आपको क्यों इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आते हैं, मान लीजिए स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो आपको उसमें भी टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि जब भी मान लीजिए आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं अपने, मान लीजिए इंस्टाग्राम आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं, आपने वहाँ पे अपना यूज़र नेम दिया या फिर आपने अपना वहाँ पे ईमेल आईडी दिया और नीचे आप वहाँ पे पासवर्ड फिल कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी रैंडम बंदा आपका, मतलब जिसका माइंड तेज हो वो याद रख सके इन चीज़ों को, वो आपका जो यूज़र नेम है वो देख ले और आपका पासवर्ड है वो देख ले। और मान लीजिए नॉर्मल बंदा ना आपका फ्रेंड ही हो तो फ्रेंड तो आसानी से आपका जो यूज़र आईडी है वो फाइंड कर लेगा आपके प्रोफाइल पे जाके, और पासवर्ड उसने पहले ही देख लिया तो वो सिंपल सा जाके उसमें लॉगिन कर सकता है और आपके आईडी से कुछ भी वो कर सकता है। सो फ्रेंड्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन जब आप इनेबल कर देते हैं तो जब भी वो बंदा, मान लीजिए उसको यूज़र आईडी भी पता है, उसको पासवर्ड भी पता चल गया, तो वो जब भी लॉगिन करने जाएगा आपका अकाउंट तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपके सिम कार्ड पे ओटीपी गया है, आप उस ओटीपी को फिल करो, या फिर उससे पहले आपको रैंडम 6 से 8 कुछ डिजिट दिए जाते हैं, आपको उनमें से किसी एक को फिल करना है जो कि सिर्फ आपको ही पता रहता है जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक हिसाब से बोला जाए तो डबल सिक्योरिटी हो जाता है, क्योंकि वो बंदा आपके सिम कार्ड से वो मैसेज नहीं निकाल सकता या फिर उसको उस पासवर्ड के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा आपके आईडी में लॉगिन होना। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके फायदे हो गए, मैंने आपको बता दिया आपको क्यों इनेबल कर लेना चाहिए और कैसे इसको इनेबल करना है, चलिए मैं आपको अब वो भी बता देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये मोबाइल है और इसमें मैंने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और अभी जो आप ये आईडी देख रहे हैं ये मेरा ही अकाउंट है, तो आप चाहे तो मेरे अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे पोस्ट करता हूँ तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं। तो आपको जो नीचे यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, प्रोफाइल पे जाए, प्रोफाइल वाले ऑप्शन के जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है ऊपर, तो 3 लाइंस पे जाए, उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग्स का, तो आप सेटिंग्स पे आए, सेटिंग्स पे आने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो आपको इसमें जो सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखता है आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा गेट स्टार्टेड, तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिखाया गया है, आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को इनेबल कर ले, यहाँ पे जो पहले नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे बोला गया है एंटर द 6-डिजिट कोड जो कि आपके मोबाइल नंबर पे गया है, जो कि रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आपका, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसका लास्ट का डिजिट है वो है 3717। तो अभी मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद ही ये जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन है ये इनेबल हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, उस ओटीपी को मैं फिल करने के बाद आप सभी को दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जो ओटीपी है वो यहाँ पे आ गया है मेरे पास, तो मैं उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ जो है 475, और उसके बाद यहाँ पे दिखाओ तो 819, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो ऑन हो गया है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे डन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रैंडम्स नंबर दिखाए गए हैं, अगर आप जब भी लॉगिन करते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई नंबर आपको फिल करना पड़ेगा या फिर आपके उसी टाइम पे आपके सिम कार्ड पे ओटीपी आएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी नंबर को भी फिल कर सकते हैं, जिससे कि आप चाहे तो अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे लॉगिन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि चलो मैं इसका देख लिया हूँ यूज़र नेम और ये इसमें से कोई सा भी मैं यूज़ कर लूँगा, सो फ्रेंड्स
अगर आपका फ्रेंड ये देख भी लेता है तो आप चाहे तो यहाँ से गेट न्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको हर बार यहाँ पे नया कोड देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इस ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है आप सभी इसको इनेबल करके रखें, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो और सेफ हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।